हम हैं मौजूद ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर। आजकल जो हालात हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। ये इस यमुना एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों लोग, हजारों लोग आज आपको जाते नजर आएंगे पैदल। अभी हमने बात की एक व्यक्ति थे शिवम, जो नोएडा से प्रतापगढ़ जा रहे हैं। ये बता रहे हैं 650 किलोमीटर की दूरी है जहाँ वो गंतव्य पर अपने पर पहुँचेंगे। उनका कहना है कि वह इस सफर को तय कर लेंगे। लोगों ने ये ठान लिया है कि अपने घर पहुँचना है। सरकार दावा कर रही है कि हमने इंतजाम किए हैं, वो इस दावे को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि नोएडा से लेके अब तक हमें यहाँ पर कोई सवारी नहीं मिली, हम इस रास्ते को पैदल ही तय करेंगे। कभी इन बच्चों ने नहीं सोचा होगा कि इन्हें 400, 500, 600 किलोमीटर यात्रा भी करनी पड़ेगी। ये लोग जो दमोह जाएंगे बता रहे हैं कि 600 किलोमीटर हमें जाना है यमुना हाईवे के जरिए। ये लोग पैदल जा रहे हैं, दर्जनों लोग हैं। ये इन लोगों का कहना है कि जब कोई रोजी रोटी नहीं, खाने के लिए नहीं, तो वो लोग कहाँ रहे। मैं दमोह जिले से हूँ, तो फरीदाबाद में काम करता था, तो वहाँ पर ठेके 2 दिन काम किया है। इसके बाद ये कोरोना वायरस की बीमारी के कारण ना तो काम लग रहा है और ना तो खाने पीने की कोई व्यवस्था है। तो हम लोगों को मजबूरन बच्चों के साथ लेकर और 600 किलोमीटर अपने गांव को पैदल ही जाना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ, हाँ, किस तरह सफर कर पाएंगे? अब पैदल ही करेंगे, क्या करें। अब उनको चलते चलते तो आज ही वो बुखार आ गया है उनके लिए, और वो चल भी नहीं पा रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? ये उत्तराखंड से आ रहे हैं, मथुरा जाएंगे। अच्छा, सरकार का ये कहना है कि हमने यहाँ लोगों को जाने का इंतजाम किया है। आपको कोई सवारी मिली नोएडा से यहाँ तक जाने के लिए? कुछ नहीं मिला सर। तो फरीदाबाद से आप लोग पैदल ही आ रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या नाम है आपका? तो पैदल ही आ रहे हैं बल्लभगढ़ से। अब कहाँ जा रहे हो आप? हम जाएंगे गिन्नौर। गिन्नौर कितनी दूर है? कभी इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की संकट की घड़ी भी हो सकती है। इन बच्चों को देख सकते हो आप, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, टांगों से चला भी नहीं जा रहा, और अभी इन्हें बहुत दूर का सफर पैदल तय करना है। हालांकि सरकार का कहना है कि उसने इंतजाम किए हैं, लेकिन इन लोगों को कोई उम्मीद नहीं कि कोई सवारी मिलेगी भी। ये आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हो आप? हम जाने हैं त्रोली, अलीगढ़ के पास में। अच्छा अच्छा, तो पैदल ही आ रहे हो आप लोग? पैदल आ रहे हैं जी, किसी ने पानी तक का नाम लिया यहाँ तक। दुकान पर बिस्कुट लेके बच्चों को खिलाया हमारे। खाना खाओ आप। क्या नाम है इसका बेटे का? जहाँ जाओगे यहाँ से दूरी कितनी होगी? 650 किलोमीटर है यहाँ से। तो 650 किलोमीटर पैदल सफर कर लोगे? सर ऐसे रात दिन जो है करता जाऊँगा, जो है क्या बोलते हैं, क्या करें सर बताइए, जो है मजबूरी है, जो है जाना ही पड़ेगा। अभी तक तो इंतजार किया कि कमरे पे खा लूँगा, लेकिन जब सब राशन पानी और पैसा कौड़ी ख़त्म हो रहा है, कोई देने वाला नहीं है, तो वही घर ही सर याद आया। मेरा हरिराम नाम है, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ यहाँ से ग्रेटर नोएडा। कहाँ जाओगे? गोरखपुर। आप कहाँ जाएंगे? शिवम सिंह। तो आपको कोई सवारी नहीं मिल रही?